नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स को जो आपके रडार पे होने चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक है आइनॉक्स विंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ये डंडा है और ये इसका झंडा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है। या तो ये इसी रेंज में थोड़ी देर और मूव करेगा ऐसे ऐसे, या फिर फाइनली कल परसों या मे बी आफ्टर 3-4 डेज इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। एंड फिर जब आपको पता ही है ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी आपको तेज़ी मिलती है, राइट? सो नेक्स्ट स्टॉक PNB हाउसिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत अच्छा ये बेस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बेस पैटर्न या फिर आप इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि आप ये देख सकते हैं जो सेमी सर्कल्स हैं ये धीरे 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 छोटे होते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा और छोटा था, मे बी यहाँ पे एक और सेमी सर्कल बने उसके बाद ब्रेकआउट दे, बट चांसेस हैं कि अभी रेजिस्टेंस पे आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से शायद एक क्लीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, राइट? और आपको ये बात पता ही होगी कि जितना बड़ा बेस होता है उतना ही बेहतर उसका ब्रेकआउट होता है, राइट? तो ये कब का ब्रेकआउट है? ये है ऑलमोस्ट जनवरी 2024 का, तो 7 मंथ्स हो चुके हैं, 7-8 मंथ्स हो चुके हैं इसको। तो अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो ऑब्वियसली अच्छा रन अप, अच्छी रैली आपको इसमें देखने मिल सकती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ CG पावर। ये मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस बना दिया है। दिस इज़ अ 1 लाइन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। जब इसका इस तरीके के पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट आता है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेंड लाइन भी काफ़ी रहती है अगर आपको ब्रेकआउट्स पकड़ने आते हैं तो। CG पावर पता ही है आपको, सेमीकंडक्टर के बिजनेस में है, सेमीकंडक्टर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अभी के लिए अच्छा लग रहा है। और आई थिंक ये इसका ऑल टाइम हाई ही है। हाँ, तो ये जो है ये इसका ऑल टाइम हाई पीक ही है। अभी मैंने आपके लिए जो रेजिस्टेंस मार्क किया है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो अगेन बहुत ही अच्छा रन अप आएगा। आप देख ही सकते हैं जब भी ये रन अप देता है कितना अच्छा देता है। एक बार मेजर कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं मेजर करती हूँ तो 84%। आई नो थोड़ा टाइम लगा है, बट जब रैली देता है तो बहुत अच्छी रैली देता है। अभी अगेन रेजिस्टेंस एक बार टकरा के नीचे आ रहा है अभी, तो ठीक है, और थोड़ा नीचे आ सकता है, यहाँ पे रुक भी सकता है। आई थिंक यहाँ पे इट शुड स्टॉप। इसके नीचे आएगा तो और नीचे भी आ सकता है। यहाँ से रिबाउंड अगर कर लिया तो दिस इज़ अ स्टॉक दैट यू शुड कीप ऑन योर रडार, क्योंकि ये यहाँ पे शायद एक बार तो नहीं, आई थिंक अब इसके बाद अगर जाएगा तो ऊपर ब्रेकआउट ही देगा एंड यू विल सी अ क्लीन मोमेंटम टूवर्ड्स द अपसाइड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक मोती सन ज्वेलर्स। इसका IPO तो सबको ही याद था, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आया था। आप देख सकते हैं कि IPO लिस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, बट उसके बाद जो रैली आई अराउंड 180%, मतलब लोगों का पैसा जिसने नीचे लिया, जिसको IPO नहीं मिला, उसका भी पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है। जिसका IPO था आई थिंक उसका तो 4-5 गुना ईजीली पैसा हो गया होगा, और मे बी 6 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका अगेन 1 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है आपके लिए। अभी आप देख सकते हैं अगेन ये भी थोड़ा टकरा के नीचे आ रहा है, बट ठीक है, इसका भी अभी नो नीड टू वरी, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे जाए देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट, मतलब यू कैन इग्नोर दिस स्टॉक, बट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसमें भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिख सकता है। नेक्स्ट कंपनी वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें भी आपके लिए 1 लाइन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है। ये दोस्तों बहुत पावरफुल टाइप का सेटअप है। जब इसका ब्रेकआउट आता है, मैं आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट आता है और बहुत ही अच्छी रैली दिखती है। तो दिस इज़ अगेन अनदर स्टॉक दैट यू कैन कीप ऑन योर रडार। अगर ये क्या कहते हैं 14,700 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ ब्रेकआउट स्टॉक।
नेक्स्ट स्टॉक लेट्स सी HDFC AMC। अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसका ब्रेकआउट हो भी चुका है और ये अच्छी तरीके से ऊपर मूव भी करने लगा है। अब यहाँ से भी इट कैन मूव अप ऑब्वियसली, बट मैंने आपको ये इसलिए दिया सो दैट यू कैन कीप योर ऑप्शंस ओपन। अगर ये नीचे ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने एक बार आता है, विच इज़ द लेवल ऑफ 4300, अगर रीटेस्ट करने आता है तो आप इसमें एंट्री के लिए ज़रूर देख सकते हैं। अगेन एक और वैसा ही मिलता जुलता स्टॉक ABSL AMC, आदित्य बिरला का AMC स्टॉक। तो एक बार मैं इसको वीकली में करके दिखा देती हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने इसको वीकली चार्ट में कर लिया है। अब आपको ये पता ही होगा ये क्या पैटर्न होता है। ये होता है IPO बेस पैटर्न, मतलब जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी जब ये IPO में लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम एक न्यू ब्रेकआउट आपको देने जा रहा है। दिस पैटर्न इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल, एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न। इस पैटर्न को आप ट्रेड करोगे तो 9, 8, 7, 8 out of 10 टाइम्स तो पैसा बनता ही है। एनीवे तो इसको एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं। ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, रीटेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और थोड़े लंबे टाइम के लिए भी रखे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसमें स्विंग ही खेलना है या 2-4 दिन के लिए ही रखना है। तो जिस तरह की मार्केट है उस हिसाब से तो मुझे लगा था ये एक बार ब्रेकआउट करेगा और भाग जाएगा, बट नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा मौका दे रहा है लोगों को बैठने का। तो अभी रीटेस्ट करा है, अभी भी इट्स अराउंड द रीटेस्ट लाइन ओनली, तो अभी भी आप एंटर कर सकते हो और इसमें भी आपको बहुत 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 अच्छा रन अप मिल सकता है थियोरेटिकली अगर देखें तो। जो इसका बॉटम होता है, बॉटम से रेजिस्टेंस ये अगर मैं मेजर करूँ तो दैट्स अराउंड 130%। तो थ्योरेटिकली अगर देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इट शुड मूव अबाउट 130%, बट ऑब्वियसली इतना सब वेट नहीं करते और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इतना स्टॉक भागे, बट गुड रिटर्न्स ऑब्वियसली यू कैन गेट इन दिस स्टॉक। तो अगर आप बैठते हो तो आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये मैंने आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बता दिए हैं और ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाले कैंडिडेट्स भी बता दिए हैं, विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।